हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा आर्या। आई एम ए कैंसर स्पेशलिस्ट और आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है कि कैंसर के ऐसे क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चले कि ये कैंसर है। एक्चुअली कैंसर का ऐसा कोई भी पर्टिकुलर साइन या सिम्टम्स नहीं होता जो आपको ये बताए क्लियर कट ये कैंसर है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कब कैंसर हो सकता है। तो जैसे कि सबसे पहला होता है नॉन हीलिंग अल्सर। बॉडी में कहीं पे भी कोई भी ऐसा जख्म है जो भर नहीं रहा है, 2 से 3 हफ्ते हो गए, सारे आपने ट्रीटमेंट ले लिए, स्पेशली इन ओरल कैविटी और इन दी माउथ, तो अब आप ये सोच सकते हैं कि हाँ, एक ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलें, प्रॉपर इसका कंसल्टेशन लें। तो सबसे पहले क्या हो गया, नॉन हीलिंग अल्सर। दूसरा होता है एनी लंप इन दी बॉडी। बॉडी में कहीं पे भी कोई भी गांठ नहीं थी पहले से, अचानक से कोई गांठ बन गई, जैसे कि ब्रेस्ट में जनरली कैंसर का प्रेजेंटेशन गांठ के साथ ही होता है। तो बॉडी में कहीं पे भी कोई भी ऐसी गांठ है जो ठीक नहीं हो रही है, टाइम के साथ बढ़ती जा रही है, पेनफुल हो गई है, तो उसे इग्नोर ना करें। जरूरी नहीं कि हर गांठ कैंसर ही हो, बहुत सारी बिनाइन कंडीशंस में भी गांठें होती हैं, लेकिन अगर कुछ भी सस्पिशियस आपको लगे तो ज़रूर मिलें। तीसरा होता है डिफ़िकल्टी इन दी स्वॉलोइंग। कुछ भी खाने और गुटकने में परेशानी आने लगी है। पहले खाना खाने में परेशानी हो रही थी, टाइम के साथ ये पानी के लिए भी बढ़ती जा रही है, यानी कि पहले सॉलिड के लिए प्रॉब्लम थी, अब लिक्विड भी नहीं जा रहा है। तो ज़रूर बिना डिले किए एक ऑन्कोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। डिफ़िकल्टी इन डाइजेशन, इनडाइजेशन बना हुआ है, बार बार लूज मोशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं चेंज इन बॉवल हैबिट। तो इसके लिए भी आप फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगला सिम्टम्स होता है ब्लीडिंग पर विजाइना। ऐसी ब्लीडिंग जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड नहीं है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग है, तो ज़रूर एक गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, प्रॉपर वर्कअप कराएं, और अगर कुछ भी सस्पिशियस लगता है तो एक ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलें। अगला सिम्टम्स होता है डिस्चार्ज थ्रू विजाइना। एक्चुअली फीमेल्स में डिस्चार्ज फिजियोलॉजिकल भी होते हैं, लेकिन एक क्राइटेरिया होता है कि कब ये फिजियोलॉजिकल है, कब ये पैथोलॉजिकल है। जो फिजियोलॉजिकल होते हैं वो डिफरेंट प्रेजेंटेशन होता है, बट जो कैंसर रिलेटेड डिस्चार्ज होता है थ्रू विजाइना, वो लाइक पस लाइक कंसिस्टेंसी हो सकती है, फाउल स्मेलिंग होता है, एंड जनरली एक मिडिल एज से ओल्डर एज में ये सिम्टम्स आता है, तो ये इग्नोर ना करें। अगला होता है कि बॉडी में कोई भी मोल है या वार्ट है, जिसे मस्सा बोलते हैं, या तिल है, जिसका प्रेजेंटेशन अचानक से चेंज हो गया, उसका साइज़ बढ़ने लगा, उसका कलर चेंज हो गया, वो स्प्रेड हो रहा है बॉडी में, स्पेशली इन फेस पे या ट्रंक पे, तो उसे इग्नोर ना करें, डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, और अगर सस्पिशियस है तो फर्दर ऑन्कोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। अगला प्रेजेंटेशन है अनएक्सप्लेन वेट लॉस और फीवर। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट का बिना कुछ किए, ना वो डाइट फॉलो कर रहा है, ना वो जिम जा रहा है, वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब ग्रॉस वेट लॉस, एक ही महीने में उसने कई किलो रिड्यूस कर लिया, बाकी कोई और सिम्टम्स नहीं है। तो जो अनएक्सप्लेन वेट लॉस होते हैं उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अनएक्सप्लेन फीवर है, उन्हें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि फीवर कब आएगा, अगर बॉडी में कुछ इन्फेक्शन है, कुछ वायरल इन्फेक्शन है या कुछ है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है और फीवर बना हुआ है तो इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि कभी कभी अनएक्सप्लेन फीवर बहुत सारे लिम्फोमाज में, ल्यूकीमियाज में एक प्रेजेंटेशन होता है। अनएक्सप्लेन्ड कफ है, कंटिन्यू कफ बना हुआ है 2-3 महीने से, जो कि कभी कभी कफ के साथ है या ड्राई कफ है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो ज़रूर एक चेस्ट फिजिशियन से मिलें, अपने आप को कंसल्ट करें। अगला होता है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। कभी कभी जो क्रोनिक स्मोकर्स होते हैं उनकी आवाज़ चेंज हो जाती है, और वो इग्नोर करते रहते हैं कि शायद हमने ज़्यादा ठंडा खा पी लिया है या बहुत तेज़ बोल लिया है, इसलिए हमारा गला बैठ गया है। नहीं, अगर स्मोकर्स हैं, ओल्ड एज हैं, और अचानक से आवाज़ में बदलाव है, तो उसे इग्नोर ना करें। कभी कभी ये कार्सिनोमा लैरिंग्स का प्रेजेंटेशन होता है, और अगर आप जल्दी विजिट करते हैं तो आप बहुत जल्दी कार्सिनोमा लैरिंग्स को डिटेक्ट करके इसको कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। अगला प्रेजेंटेशन होता है, कुछ फीमेल्स पेल्विक पेन की कंप्लेंट करती हैं, बैक पेन की कंप्लेंट करती हैं कुछ फीमेल और कुछ मेल, जो कि कुछ कैंसर का अर्ली प्रेजेंटेशन हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्सिनोमा प्रोस्टेट में कभी कभी यूरिनरी सिम्टम्स डिले आते हैं, लेकिन बैक पेन आ जाता है। कभी कभी जेनाइटो यूरिनरी मेलिग्नेंसीज में पेल्विक पेन होता है, गायनिकोलॉजिकल मेलिग्नेंसीज में पेन होता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जिन्हें आपको इग्नोर नहीं करना है। अगला सिम्टम्स है फटीग, यानी कि लो इन हीमोग्लोबिन काउंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सिम्टम है, या मैं साइन कहना चाहती हूँ इसको, क्योंकि ये बहुत सारे कैंसर्स का एक साइलेंट सिम्टम प्रिकर्सर है। जैसे कि कोलोन में
बहुत ही हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और पेशेंट को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि कार्सिनोमा कोलोन में या रेक्टम में ब्लीडिंग होती रहती है। जनरली लोग इसको इग्नोर करते रहते हैं कि पाइल्स है या फिशर्स है, इसलिए हीमोग्लोबिन कम हो गया है। तो लो हीमोग्लोबिन कुछ जीआई मेलिग्नेंसीज में एंड कुछ ल्यूकीमियाज में, लिम्फोमास में प्रेजेंटेशन हो सकता है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। अगर डाइट्री न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से है तो आप उसका ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन आप उसको रिपीट चेक कराइए। उसके बाद भी अगर वो रिकवर नहीं हो रहा है, देन मीट विद हिमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप सो ये आपको पसंद आए, एंड प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।